बताइए, इससे ज्यादा आपने देखा इसका ट्रेलर देखा, क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं शुभकामना देना चाहूँगा समीर भाई को, बहुत ही सुंदर मूवी बनाया है इन्होंने, फिल्म बनाई है मूवी में। वैसे तो मैं फिल्म देखता नहीं, लेकिन ये फिल्म जरूर देखूँगा मैं, और सभी से निवेदन करूँगा कि इसको आप भी देखें। बेहतरीन मूवी है, बड़ी मेहनत की है समीर भाई ने इसमें, और उनकी तमाम टीम को मैं फिर से एक बार शुभकामना देना चाहूँगा कि ये फिल्म कमाल करे, खूब चले, और भोजपुरी से निकल करके ये बॉलीवुड जाए, समीर भाई उनकी टीम बॉलीवुड जाए, ऐसी मेरी शुभकामना। आपने इसका ट्रेलर देखा, ट्रेलर में क्या खास है? ट्रेलर ओवरऑल जो था ये पूरी तरह से एक कहते हैं इसका परिचय, विजिटिंग कार्ड जो होता है वो था, तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर था। और मैं समझता हूँ कि अगर ये ट्रेलर लोगों तक पहुँचेगा तो कहीं ना कहीं लोग इसके प्रति आकर्षित होंगे और इसको देखेंगे जरूर, और सभी से मैं निवेदन भी करूँगा कि इस फिल्म को देखें, बेहतरीन फिल्म है, बड़ी मेहनत की हमारे समीर भाई ने, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको और उनकी तमाम टीम। समीर जी आप बताइए क्या कहना चाहेंगे अपने कलाकारी को लेकर? देखिए मैं तो कभी लाइव में कलाकारी नहीं किया था, और मैं काम नहीं किया था, पर्दे पे भी काम नहीं किया था, लेकिन पहली बार मैं आया काम करने। शुरू में मैं पहली बार आया कैमरे के सामने तो कुछ घबराहट तो हुई मुझे, लेकिन जब धीरे धीरे करने लगा तो मुझे अच्छा लगा, और मेहनत से हमने काम किया, हमारे डायरेक्टर साहब ने, हमारी पूरी हमारी की टीम मिलकर हमें सपोर्ट किया, और हमने मेहनत करके फिल्म बनाया है, और अच्छी फिल्म है। जैसे भी एक रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे हर किसी का फिल्म देख के प्यार देते, उन्हें ढेर सारा है, समीर खान को भी प्यार दे, पूरी हिस्पानिक टीम को प्यार दे। सबसे पहले मैं दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, साफ सुथरी फिल्म है, और जैसे होनी चाहिए फिल्म बिल्कुल वैसी फिल्म है, और हम लोग बहुत कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिए देकर काम किए हैं, और बहुत अच्छी फिल्म है, और भी अच्छी अच्छी फिल्में लाते रहेंगे, अच्छा ही काम करेंगे, और आप जब हमारी दर्शक देखेगी और हमें कितना प्यार देती है तो बात करेंगे। सर अपने अपने किरदार के बारे में थोड़ा बताइए। किरदार जैसा मेरा फिल्म में दबंग किरदार है, और मतलब बहुत ही दबंग किरदार है, और मुझे बहुत अच्छा लगा दबंग किरदार करने में, बहुत ही अच्छा। आप इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं मैंने सुना है, और हीरो भी काम कर रहे हैं? सर भी हूँ और हीरो भी हूँ, और कुछ मेरे दोस्तों का मेरे भाइयों का सपोर्ट है मेरे ऊपर, लोग ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट करके मुझे आज इस मुकाम पे खड़ा किया है, उनका मैं दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सर बात करें जो है चीफ गेस्ट के तौर पे जो आए हुए हैं फीता काट के, और आप पूरी टीम को शुभकामना देने आए हैं, सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर हमारे बहुत बड़े माने जाने हस्ती हैं, और थोड़ा सा परिचय दे दीजिए उनको। परिचय मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, और भाई हो सकता है आगे और भी बड़ा काम करने वाले हैं, लेकिन अभी पत्ता नहीं खोल रहे हम लोग। माइसेल्फ रमजान चौधरी और उपाध्यक्ष मुंबई कांग्रेस संजय दिवाकर का राजनीतिक गतिविधियाँ रहती है, सक्रियता है राजनीतिक मध्य। समीर जी की अगली फिल्म में देख सकते हैं आपको एज ए पॉलिटिशियन, समीर जी की अगली फिल्म में आपको देख सकते हैं एज ए पॉलिटिशियन? अरे नहीं नहीं, मैं हमारा काम है लोगों की सेवा करना, उनके मसले मसाइल, उनके अधिकार के लिए लड़ना, उनके जो विरुद्ध जो अन्याय हो रहा है उनके विरुद्ध, ये भी एक काम है, और उस काम के लिए मैं इनकी सहायता चाहूँगा। फिल्म वगैरह बनाने के लिए समीर भाई है, परिपक्व है, सक्षम है, फिल्म बन चुकी है, आगे क्या प्लान है आपका? ये प्लान है कि मार्च से जो है फिल्म जो है लॉन्च करेंगे, रिलीज करेंगे, रिलीज करेंगे, और दर्शकों को अपने मार्च में दूसरी किसी फिल्म की तैयारी, दूसरी किसी फिल्म की भी स्क्वाडेड 2 का सोच रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्क्वाडेड 2 भी लेके आएंगे, स्क्वाडेड 2 भी अच्छी है और अच्छी बनी, अगर मुझे स्क्वाडेड में इतना प्यार मिलेगा तो जाहिर सी बात है इतना मिल रहा है प्यार तो हम स्क्वाडेड 2 जरूर लेके आएंगे, और सबको बहुत अच्छा है, मतलब लगा स्टोरी बहुत ही अच्छा।
आई है यहाँ पे आए तो मैं शबीर भाई अभी फिल्म जो रिलीज हुई है इश्क वाले, हम तहे दिल से ये शुभकामनाएं उन्हें देते हैं कि फिल्म सुपर डुपर हिट हो और भोजपुरी फिल्म में की जो ऊंचाइयां हैं उन बुलंदियों पर पहुंचे, इसलिए हम शबीर जी को तहे दिल से शुभकामना देते हैं। शबीर भाई को इस बारे में बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आज के यंग जनरेशन जो बॉलीवुड और हॉलीवुड की तरफ भागते हैं, और शबीर भाई ने अपने करियर का शुरुआत अपने मातृभूमि और भोजपुरी से शुरुआत किया है, और जो शुरुआत उन्होंने किया है भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको पीछे मुड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़े, बड़े इनका कदम दिनों पर दिन सालों साल आगे बढ़ती रहे। ऑल द बेस्ट समीर भाई, आपका पिक्चर सुपर डुपर हिट हो ऐसा भगवान से प्रार्थना करेंगे, और आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि भोजपुरी को ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फैला सकते हैं आप लोग फैलाएँ। उनकी पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं और की पिक्चर सुपर डुपर हिट हो ऐसी के लिए और टेक्निकल प्रोड्यूसर
को ऐसा नहीं लगा कि हम एक फिल्म शूट कर रहे हैं टॉर्चर हो रहे हैं, इसी खुशी से पूरी फैमिली की तरह हमारे सारे टीम ने कोऑपरेट किया और इस फिल्म को बनाया गया। बहुत अच्छे नाइस पर्सन, मुझे बहुत खुशी उनके साथ। इस फिल्म में आपकी नायिका कौन है? एक आप क्योंकि ये थोड़ा सा सस्पेंस रहेगा तो मजा आएगा। सर अच्छा, इश्क वाले फिल्म का नाम क्यों पड़ा, बताना चाहिए इश्क वाले फिल्म? ये फिल्म एक्चुअली इसके ऊपर है, इश्क हमेशा अधूरा रहता है और प्यार की तलाश सबको सभी को रहती है, हमको आपको सबको, जो वर्क कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, सजते संवरती हैं लड़कियाँ तो प्यार के लिए सोच, सजती संवरती हैं लड़के, कुछ वर्क कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि हम अच्छे पैसे का हैंडसम दिखे, लड़की बनाए, अच्छी खूबसूरत बीवी मिले, हर जगह प्यार ही प्यार है, प्यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी विश्व के लिए। जैसे कि जब आप वर्दी में दिख रहे हैं तो वर्दी में रहते हैं तो कहीं कहीं थोड़ा कॉन्फ्यूजन है आजकल, तो आप प्यार का विरोध कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं? वर्दी का मसला है वो डिफरेंट मसला है, जो कि वो सस्पेंस सिनेमा हॉल में खुलेगी, बट मैं एक डिफरेंट इसमें कमाल का कॉमेडी किया हूँ, पहले बार आप उसे कॉमेडी करते देख पाएंगे, और ये पूरा जो थॉट है वो डिफरेंट डिफरेंट है, मेरे सेट्स डिफरेंट डिफरेंट है, सस्पेंस ही सस्पेंस है जो सिनेमा हॉल में जाके खुलेगा। हाँ मजा आया। शिखा मिश्रा जी बारे क्या कहना चाहेंगे? शिखा जी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, कमाल की इमोशनल वर्क किया इसने, अच्छा बहुत अच्छी है, स्वीट है, प्यारी है और नचड़ी भी है। और आपके बगल जो प्यारी सी बैठी है खूबसूरत वाला, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी है, इनके साथ मैंने पहले रास्ते और नेक्स्ट मूवी भी करना है, गाने चल रही है, अच्छा बहुत सपोर्टिव आर्टिस्ट है, मतलब बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलता है, मेरे डांट डांट के सिखाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो इनके साथ काम करके बहुत कम्फर्ट फील होता है, बहुत मज़ा आता है। देखो क्या होता है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं, मैं मसीहा वसीहा कुछ नहीं हूँ, बस मैं मेरे अंदर एक मेरे दिल के अंदर एक इंसानियत है, मेरे से जितनी भी मदद होती है मैं करता हूँ, जब लायक रहता हूँ तो बिल्कुल मैं मदद करता हूँ, और कहने का मतलब है कोई किसी के लिए मसीहा नहीं हूँ, और इंशाल्लाह आने वाले दिन में मेरे सब कुछ बिल्कुल ठीक होंगे, और सबकी मैं जहाँ से भी हो सकता है वहाँ से मैं सबकी मदद करते रहूँगा, और कुछ ऐसा कुछ नहीं है मसीहा वसीहा नहीं, एक इंसान का यही फर्ज है कि अगर कोई इंसान अगर परेशान है तो मसीहा बातें तो लोगों का प्यार है, दुलार है, बोल देते हैं तो अच्छी बात है। जो आप मदद करते हैं कोई आपका संस्था है या इस तरह से आप मदद करते हैं? नहीं, मेरा कोई संस्था वगैरह नहीं है मेरे पास, भाई पहले दुकान थी, मैं बिजनेस मैन था और अच्छा खासा मैं दुकान चलाता था, और मैं अपनी मेहनत की कमाई जो भी मैं कमाता था ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों में देता था, यही मेरा जो है ये था, बाकी मेरा कोई ये नहीं है, जो नहीं चलाता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। अब तक दो लोगों का आपने मदद के भी बताना चाहेंगे? अभी मैंने मेरे गांव में एक हिंदू मुस्लिम में के लिए एक क्या होता बोलते अपना शादी ब्याह में टेंट वगैरह जो भी लगता है उसमें मैंने मदद किया लोगों का, मतलब गाँव वालों का, गरीब लोग जो थे गरीब तबके के, कि भाई शादी ब्याह करें तो अपने घर के लिए ज़रूर लेके जाए, टेंट हाउस लगाएं, जनरेटर लगाएं अच्छे से, गरीब उन लोग के लिए मैंने मदद किया, और आने वाले समय में और भी मदद करते रहेंगे, और मेरे लिए चाहे कोई जितने भी भाई हैं मेरे मुझे याद करते हैं, जैसा दुर्गा पूजा हो गया, नवरात्रि हो गया, तो मतलब ऐसे बहुत इस पर याद करते हैं, तो जहाँ तक होता है मैं उनकी करता हूँ, और करना चाहिए क्योंकि भगवान एक है, सबका मालिक एक है, और सबके साथ खड़ा रहना चाहिए। आपकी जो निजी लाइफ में जैसे शहर से लेकर गाँव तक आप सबकी मदद कर देगा, उस पर भी कोई फिल्म बनाने वाले हैं? बिल्कुल बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा, अपने जिंदगी में जो मेरी जिंदगी में हुआ है और मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ उसको इंशाल्लाह बिल्कुल अपने जो है उस लाइफ की फिल्म बनाऊंगा, और सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या था, आज कैसे कैसे कहाँ कहाँ आया, बिल्कुल बनाऊंगा। सुना है कि आप जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी काफ़ी आप दहलीज में थे, और आपको भी एक मरना कहते हैं कि वो फीवर भी था कि आप अंतिम
ये बात सही है, मुझे 106 डिग्री बुखार था और मैं फाइट का मेरा सीन था धूप में, कड़ी धूप थी और हकीकत में मैं बोलो इतना मेहनत किया उस टाइम पे, मैं बीमार रह रहे के काम किया हूँ और जैसे ही मेरा शूटिंग ख़त्म हुआ है मैं तुरंत गया हूँ डॉक्टर के पास और इंजेक्शन लिया हूँ, गोली लिया हूँ, मैं बहुत गोली खा खा के मैं समझ लो काम किया हूँ, बहुत मेहनत किया हूँ। सच्ची में मेरा जो मैं वाइट वाला ड्रेस पहन के मैं जो मतलब पैर उठा के जो मैं एक्शन किया हूँ, हकीकत में 106 डिग्री मुझे बुखार था, मैं सच बोल रहा हूँ, और वो मैं एक्शन किया हूँ और मुझे मतलब इतनी एनर्जी आ गई थी फिल्म में काम करने का, बोलो तो मतलब एक हौसला रहता था भाई कि ज़रूर हम मेहनत करें और आगे बढ़ें, अच्छा अच्छा एक्शन दें, लोगों के सामने आए, मेरी ऑडियंस सब देखे और उनको पसंद आया, अच्छा लगे, तो हमने बहुत मेहनत किया, काफ़ी मेहनत किया और हमारी जो यूनिट है यूनिट ने भी बहुत मेहनत किया और यही कहेंगे कि जैसे हर किसी को प्यार देते हैं, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी से कि समीर खान को भी प्यार दें और समीर खान आपके लिए इश्क वाले लेके आ रहे हैं और ज़रूर इश्क वाले 2 भी लाएंगे और मूवियाँ करते रहेंगे और आप लोगों का प्यार मोहब्बत विश्वास चाहिए। मैं समझता हूँ कि कोई स्टार स्टार नहीं होता है, उसको स्टार बनाने वाले सबसे बड़े स्टार आप लोग हो और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग भी स्टार हमें बनाओगे, हमारे दिल का हौसला है और आपको हमारी फिल्म पसंद आएगी, ज़रूर पसंद आएगी और जब आप हमारा टीजर और ट्रेलर देखेंगे तो आप अनुभव लगा लेंगे फिल्म कैसी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इश्क से रिलेटेड मूवी होगी तो कहते हैं ना कि पहले दिल धड़कता है और फिर इश्क की शुरुआत होती है, तो धड़कन में दिल धड़का था और इस फिल्म में मुझे इश्क हो गया है इनसे, तो या तो फिर तब धड़का था और प्यार इनसे होगा मुझे ये विश्वास नहीं था, तो इसीलिए इश्क वाले जो है पूरा प्यार से मोहब्बत से और इश्क ही इश्क है इस मूवी में, लेकिन गंदा वाला इश्क नहीं है जो आजकल कलयुग में होता है ना, जो आजकल के टाइम पे वैसा नहीं है, बहुत प्यारा और कहते हैं ना कि वो एक आत्मा से निभाया हुआ जो प्यार होता है सोल से, तो उस प्यार को इसमें दिखाया गया है, तो और जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा मेरे कैरेक्टर क्या है, ऑब्वियसली बात है कि इसमें 2 हीरोइन है, वैसे मैं भी हूँ और हमेशा मैंने हर फिल्म में मेरे लिए 2 दीवारें हमेशा लड़े हैं, तो इस फिल्म में भी 2 दीवारें लड़ रहे हैं, मेरी किस्मत हमेशा रही है कि हर फिल्म में 2 लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, इसमें भी सेम वही हुआ है, ये भी मेरे पीछे पड़े हैं और अविनाश जी भी मेरे पीछे पड़े हैं। भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा एक फिर जो फिल्म आए उसमें भी 2 दीवाने आपके पीछे हैं, तो खैर यही ऐसा कैरेक्टर है, बाकी सब फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन आपके प्यार का असर इतना चढ़ गया कि 106 डिग्री बुखार हो गया था, आपको पता है? अच्छा अभी समझ में आया कि आखिर फिर मुझे क्यों बुखार हुआ था, इनको हुआ इसलिए मुझे हो गया, ये देखो इसको प्यार बोलते हैं, इसको इश्क बोलते हैं। किस तरह का आप लोग का फिल्म काम करने का समझ ही नहीं आया, जैसा कि इनकी पहली फिल्म है, समीर खान जी की ये फर्स्ट मूवी है, लेकिन जब हम लोग शूट कर रहे थे तो कहीं से मुझे ऐसा नहीं लगा कि समीर जी की ये फर्स्ट मूवी होगी एज एन एक्टर, और बहुत अच्छे से, सबसे पहली बात है कि इनमें सीखने की बहुत बड़ी क्षमता है, चाहे वो डायरेक्टर से सीखें चाहे किसी से भी, तो ये हमेशा हर एक चीज़ हर सीन के बाद हर किसी से पूछते थे मैंने कैसा किया, मैंने अच्छा किया क्या, अगर अच्छा नहीं हुआ है तो मैं दोबारा दे देता हूँ टेक, तो अगर हम कहते थे हाँ एक बार और आप अच्छा दे सकते हैं तो ये करते थे वापिस जाके कि सर मुझे एक बार और ये मुझे टेक कर लेने दीजिए, तो ये एक इनके अंदर बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अच्छाई कह सकते हैं जो हर एक एक्टर में होना चाहिए, सीखने की क्षमता तो वो इनके अंदर। एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर कितना मैनेज किया? प्रोड्यूसर तो मुझे कभी लगे ही नहीं है सेट पे, क्या होता है कि जब इंसान अपना पैसा लगाता है एज प्रोड्यूसर तो उसके अंदर एक घमंड सा होता है, तो मुझे कभी लगा ही नहीं शूटिंग के दौरान कि समीर जी एक्टर नहीं है प्रोड्यूसर है, ऐसा
मुझे कभी भी फील नहीं हुआ और शायद मुझे ही नहीं, सेट के किसी को भी ऐसा फील नहीं हुआ होगा। और एज प्रोड्यूसर तो इन्होंने मतलब मीन्स कई लोग फिल्म शुरू करते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं पैसों की वजह से या फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म शुरू करना और उसे एंड तक लेके जाना, फिनिश करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इन्होंने शुरू भी किया और ख़त्म भी किया और आज नतीजे आप लोग के सामने। और दूसरा प्लानिंग भी कर रहे हैं इसको लेकर बनाने? हाँ हाँ, मुझे बता रहे थे। नहीं बताए मैं भी बोल नहीं नहीं बिल्कुल हम बनाएंगे। खैर मेरे तक ये न्यूज़ रही थी जस्ट जोकिंग, बट अगर आप बना रहे हैं तो 100% इसको वाले 2 बनाऊंगा। हाँ, और तो मेरी तरफ से इनके लिए बहुत विशेष हैं कि, और मैंने हमेशा इनको कोऑपरेट किया है, हमेशा मैंने कहा है कि इश्क वाले में अगर मैं नहीं भी होती तो भी एज ह्यूमन बींग मैं हमेशा ये चाहती कि ये आगे अच्छा करें और बहुत बुलंदियों को छुए और तू ही नहीं बहुत सारा कीजिए। और शायद जो है सिका जी को पता है मेरे बारे में कि मैं शायद इतना मेहनत किया कि कोई प्रोड्यूसर इतना मेहनत कभी कर ही नहीं सकता है। मैं शूटिंग ख़त्म करने के बाद में मेहनत करता था, रात रात भर मेहनत करने के बाद में मैं सबको 40-40 किलोमीटर दूर मैं जाता था छोड़ने के लिए। लेकिन प्रोड्यूसर तो मेहनत करवाते हैं। नहीं, हम खुद की हम अपने आप को प्रोड्यूसर कभी समझे नहीं ना। मैंने यही तो कहा कि कभी प्रोड्यूसर लगे ही नहीं, क्योंकि देखो एक जो आदमी सोचता है मैं प्रोड्यूसर हूँ वो काम उसकी अटकती है। मैं एक एक्टर सोचा, मैं एक एक्टर हूँ और मैं एक जैसा मेहनती आदमी, अपने आप को मेहनती आदमी समझ के मैं काम किया जो मुझे करना था, मैं वो किया, इसलिए मैं आज इस मुकाम पे हूँ। अगर शायद ये सोचा होता कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ तो मेरी फिल्म बन नहीं पाती। शिखा जी, आखिरी सवाल अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के लिए? हाँ, मैं हमेशा अपने दर्शकों से हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि मुझे आपके प्यार की बहुत बड़ी भूख है जो शांत नहीं होती है। तो जितना आपका प्यार मुझे मिलता रहता है उतनी मेरी भूख बढ़ती रहती है। तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जैसा कि धड़कन में आप लोगों ने मुझे प्यार दिया और मैं चाहूँगी कि सेम वैसा ही प्यार मुझे इश्क वाले में दीजिए, मेरी सारी टीम को दीजिए और उतने ही प्यार से और पूरी फैमिली के साथ जाके ये मूवी देखिए, क्योंकि ये मूवी बहुत अच्छी है, फैमिलियर मूवी है और आप लोग सबके साथ जा सकते हैं मूवी देखने के लिए। तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप मुझे प्लीज़ 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 मुझे और मेरे पूरे इश्क वाले टीम को अपना प्यार दीजिए और आप प्लीज़ मूवी देखने जाइए। मैं सबसे पहले तो हम अपनी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। मैं बहुत आभार प्रकट करूँगा कि ये लोग हमें जो है आज यहाँ तक पहुँचाए हैं और जनता जनार्दन को नमस्कार। हर इश्क वाले फिल्म जो है बहुत ही अच्छी और बनाई गई है, इसे हमारे भाई प्रदीप भैया जी ने बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है इसमें हम लोगों ने किरदार दिया है। अजय शुक्ला जी इसमें बहुत प्यारा रोल किया है, समीर भाई जो इसके हीरो हैं आपका एक कैरेक्टर जो था काफी हटके इसमें आपने भूमिका निभाई है, कितना कठिन था उसको करना? पड़ेगा कठिन तो बहुत था और ये करने की जिम्मेदारी रखी, पूरी कोशिश किया कि मैं इस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाऊँ। अब तो मेरे डायरेक्टर साहब ही बताएंगे कि मैं कैसा खरा उतरा इनकी कसौटी में कि नहीं, और जनता बताएगी, मीडिया बताएगी। डायरेक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, देखिए पिक्चर जो कॉन्सेप्ट था, जो कैरेक्टर था बहुत अच्छा था, फनी टाइप था। सर ने मुझे बताया कि मैं इस टाइप में कभी कॉन्सेप्ट किया नहीं हूँ, तो मैं बोला सर कोई बात नहीं करेंगे और हो जाएगा। और जब करते गए तो सर से ही पूछ लीजिए कि पता ही नहीं चला कि कब पिक्चर एंड, हर एक सीन में इतना एंजॉय करने लगे पूरी टीम के, मतलब हर किसी को देखने में मजा आ गया, इंप्रूवमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है, अब सीन अच्छा हो रहा है, सारी चीज़ें एकदम अच्छा हो रहा है। सर आप बताइए फिल्म के बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे कितना? सबसे पहले मैं सारे भोजपुरी समाज को नमस्कार करना चाहूँगा और हमारे प्रोड्यूसर जी को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि इतनी अच्छी मूवी बनाए, हमारे डायरेक्टर साहब जो कि बहुत सारी कटिंग लेके आए हमारी फिल्म में और बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, अगर दिल से कोई मेहनत किया है तो हमारा भाई ने किया है, और उमेश भाई का हमारे टाइगर जी जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के टाइगर हैं, तो
बहुत बड़ा सपोर्ट है। अविनाश जी बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत अच्छा हीरो है, और शबीर जी हैं, और फाइट तो बहुत लाजवाब है, मिला जुला के सब बहुत अच्छी फिल्म बनी हुई है। अब यही चाहिए कि सारे दर्शक हमारे मित्र फिल्म देखें और इसको सुपर हिट करें, यही चाहते हैं। मुर्दे की बात करें जो है इस वाले का, जो आपने जो सोचा था जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, अब तक पूरा आपने कंप्लीट किया तन मन धन लगा करके, और आज जो फिल्म का टीजर ट्रेलर देखा गया एक अलग कुछ, क्या कहना चाहिए जो आपने सोचा था जो आप फिल्म बनाए और आज जो रिजल्ट आया? देखिए मैंने ये इस वाले जब चालू किया था टीजर प्रेजेंट किया था, टीजर दिखाया था कि मतलब ये ग्राफ से मुझे फिल्म बनाना है, और लगभग ग्राफ को हमने पार किया, उस ग्राफ को हमने पार किया और पार करके दिखाया कि देखिए अगर सच्चे दिल से अगर पूरी वर्ल्ड टीम मेहनत करती है इस वाले तो बहुत अच्छी फिल्म बनी, और आज लोगों को ट्रेलर पसंद आया, ये हमारे लिए बहुत मेहनत का अच्छा रीजन है। पूरे इस वाले टीम को इतना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि आगे बढ़े और आप लोग की नजरों में छाए। फिल्म के हीरो हीरोइन की बात की जाए, विलेन की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं अभी तो दो टाइगर के बीच में बैठा है, अब मैंने बोला भी था कि बैठा जाए और इंटरव्यू दिया जाए, और बात किया जाए अविनाश जी का, शिखा मिश्रा जी का, समीर खान जी का, और प्रियंका पंडित जी का, आनंद मोहन जी का, प्रियंका महाराज और गोपाल राय जी मतलब सारे मिलके जो भी कैरेक्टर जिसको मैंने दिया वो माँ को भी सबने प्ले किया और बहुत अच्छा लगा ऑल ओवर मूवी देखने के बाद। समीर खान जी की बात की जाए, हीरो भी हैं, प्रोड्यूसर हैं, ढेर सारे उतार चढ़ाव साथ में उन्होंने कंप्लीट किया, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही अच्छे दिल के इंसान, बस थोड़ा भाव जल्दी से भावुक हो जाते हैं और संभालना आपको संभालना पड़ता है बस, और कुछ नहीं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, नेचर में अच्छे और सबको मतलब समान अच्छा, ठीक है सर, बहुत अच्छा एक्टर है, फाइट तो हाँ ज़्यादा कम है, उनको तो एक्शन ही पसंद है, डायलॉग बोलते हैं सर डायलॉग कम है, एक्शन ज़्यादा दीजिए मुझे, बड़ा ठीक है फिल्म में ये कर लेते हैं, नेक्स्ट फिल्म अगर करते हैं तो बहुत अच्छी कर, पूरा एक्शन है। उमेश जी कितना आपको संभालना पड़ा था समीर जी को, जिस तरह से आया सामने कि बहुत कुछ उनको सिखाना बताना पड़ता था, संभालना पड़ता था, जो कि बच्चों जैसा उनका दिल है जी। समीर जी बहुत अच्छे इंसान हैं, और पहली बार उन्होंने फिल्म किया एज ए प्रोड्यूसर एज ए हीरो, उसमें हमारे डायरेक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है, इन्होंने बहुत सहयोग किया, हमने भी बहुत सहयोग किया और कोशिश किया कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करिए, फिर कराते गए वो करते गए, और उसका प्रतिसाद उसका रिजल्ट आप लोगों ने देखा है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि एक नया हीरो काम कर रहा है, मतलब एक मजा हुआ खिलाड़ी खेल रहा है, वो भाइयों के सहयोग की वजह से जो है वो आज एक खिलाड़ी बन गया। उन्हें गरीबों का मसीहा किया जाता है, गांव से लेकर मुंबई तक जहां भी होता है मदद करते रहते हैं, जो जरूरतमंद होते हैं, क्या कहते हैं उसके बारे में? आम जिंदगी में भी वो ऐसे ही सबकी हेल्प करते हैं, और फिल्म में भी उन्होंने वही किरदार निभाया है, वो एक डॉन है और हम दो डॉनों से टक्कर हैं, और वो हमेशा जो है इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं और हम लोग इंसाफ के खिलाफ रहते हैं, और फिल्म बहुत ही ज़ोरदार है, मैं मूवी स्टोरी नहीं नैरेट करूँगा, लेकिन फिल्म देखिएगा टेक्निकली जो बड़ी जी ने फिल्म बनाई है, जो इन्होंने जो जो एंगल से शॉट लिया है वाकई काबिल तारीफ, मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके, और मैं हमेशा यही चाहूँगा कि मैं इनके साथ फिर और भी फिल्म देखा, ये मेरा सौभाग्य जी। जी प्रदीप जी, जो अभी जैसे कि पता चला कि वो रियल लाइफ में वही है जो रियल लाइफ में उन्होंने भूमिका निभाई है, तो क्या उनसे इंस्पायर होकर के ये फिल्म बनाई थी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे अपना कैरेक्टर बताए थे ये स्टोरी को, ये इस वाले बनाने से पहले हम लोग तीन स्टोरी नरेट हुआ था, तीन राइटर को बुलाए थे, बाद में फिर क्या हुआ कि राइटर बुलाने के बाद स्टोरी पसंद है, और ये स्टोरी जब पसंद है कि जो रियल लाइफ से मिलती थी, बोला ये करेक्टर प्ले करने में आपको बहुत ईजी, और जब प्ले करने गए तो बाखूबी पढ़ाई करके निकल चुके, और अच्छा लगा काम करके
और सबने मतलब इसके वाले के जितने भी एक्टर हैं सबने सपोर्ट किया कि ऐसे नहीं ऐसा ऐसा हाँ एक चीज़ है कि एक बार समझाने पकड़ लेते थे। अब ये फिल्म अब आज टीजर लॉन्च हुआ म्यूजिक लॉन्च हो गया फिल्म रिलीज भी होने वाले दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर के? मैं ये चाहूँगा कि ढेर सारा सब प्यार दे आशीर्वाद दे जैसे सबको बनाए हैं वैसे हमारे इस वाले टीम को भी बनाए और अच्छा से सबको सराहे सबने इस वाले टीम बहुत मेहनत की है। उमेश जी प्रदीप जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे एज ए डायरेक्टर एज ए ह्यूमन पर्सन? प्रदीप जी बहुत ही पहली बात तो एक बहुत ही प्यारे इंसान बहुत ही प्यारे इंसान माय नेचर एकदम डाउन टू अर्थ और एक मजा हुआ जैसे एक डायरेक्टर होता है सेट पे कोई चिल्लाना नहीं कुछ नहीं काम उनको पता है कि मुझे क्या करना है बस उनका शॉट लेना है बहुत अच्छी तरीके से आर्टिस्टों को समझाते हैं कभी किसी को मतलब ऐसा बर्डन है कि ऐसा नहीं करूँ ऐसा मतलब एक होता है एक सीधा हुआ खिलाड़ी वो टेक्निकली स्ट्रांग है उनको एक पता है कि कहाँ से क्या करना है कौन सी शॉट लेना है किस तरीके से हमको अपनी फिल्म को बनाना है। प्रदीप जी बहुत ही अच्छी टेक्निकल है और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं ठीक है थैंक यू ओके थैंक यू।